शहर के बीचों बीच टिमटिमाती रोशनी की नीली चमक के नीचे एक भयानक रहस्य उजागर होने लगा। वह एक ठंडी और बरसात की रात थी, ऐसी रात जो सबसे खतरनाक आत्माओं को भी प्रभावित कर रही थी। जासूस जग्गू मंद रोशनी वाली सड़क के कोने पर खड़ा था। उसका कोट भीग गया था, लेकिन वो पक्के इरादों वाला था। वह महीनों से एक छाया का पीछा कर रहा था, एक कुख्यात सीरियल किलर जिसे केवल दीपक दरिंदा के नाम से जाना जाता था। दीपक दरिंदा के पीड़ित शहर भर में घूम रहे थे, उनके शरीर भूत बनकर शहर भर में घूम रहे थे। प्रत्येक अपराध स्थल एक पहेली की तरह लग रहा था, एक रहस्यमय संदेश जिसे समझने के लिए जग्गू ने पीछे छोड़ दिया था। हाल ही में एक शिकार इमिली नाम की एक युवा महिला की हुई थी। उसकी शरीर एक थिएटर में पाई गई थी। उसका बेजान शरीर ऐसा लग रहा था मानो वह एक टूटी हुई कठपुतली हो। जैसे ही जग्गू ने जांच में गहराई से प्रवेश किया, उसने रहस्यों और झूठ का एक जाल उजागर किया जो शहर के अमीर वर्ग के सबसे अंधेरे कोनों तक पहुंच गया था। दीपक दरिंदा के पीड़ित इस तरह से जुड़े हुए थे कि जग्गू की रीढ़ में कंपन दौड़ गई। उन सभी का संबंध एक शक्तिशाली और रहस्यमय व्यक्ति से था जिसे द मेस्ट्रो के नाम से जाना जाता था। एक आपराधिक मास्टरमाइंड के बारे में अफवाह थी कि वह शहर को छाया से नियंत्रित करता है। अपने ही राक्षसों से परेशान होकर जग्गू ने खुद को बिल्ली और चूहे के खतरनाक खेल में फंसता हुआ पाया। जितना अधिक उसने मामले की गुत्थियों को सुलझाया, वह दीपक दरिंदा के भयानक इरादों के पीछे की सच्चाई की खोज के उतना ही करीब आ गया। लेकिन हर आगे का कदम उसे धोखे की भूलभुलैया में और धकेलता हुआ प्रतीत होता था। जैसे जैसे शवों की संख्या बढ़ती गई, जग्गू की हताशा बढ़ती गई। वह जानता था कि उसके पास समय खत्म हो रहा है और शहर की अशांत सड़कें उसकी हर गतिविधि का मजाक उड़ाती दिख रही थीं। अपने तकनीक प्रेमी साथी माया की मदद से चड़ा ने एनक्रिप्टेड संदेशों के एक निशान का पता लगाया जो उसे शहर के बाहरी इलाके में एक लंबे समय से भूले हुए झुग्गी में ले गया। खस्ता हाल झुग्गी में जाने का जोखिम उठाते हुए जग्गू और माया ने खुद को खराब प्रयोगों और जो कहा न सके ऐसे भयानक सपनों वाली दुनिया में पाया। जैसे ही वे झुग्गी के भूल भुलैया गलियारों में चले गए, दीवारें उनके चारों ओर बंद हो गईं। प्रत्येक कदम उन्हें दीपक दरिंदा के मकान के करीब लाता था। जैसे ही उन्होंने अंततः दीपक दरिंदा का सामना किया, एक चौंकाने वाला रहस्य खुल गया। दीपक दरिंदा कोई और नहीं, डॉ प्रेम थे, जो एक प्रतिभाशाली लेकिन शांत चित्त मनोचिकित्सक थे जिन्होंने कभी झुग्गी में काम किया था। अपने ही उल्टे प्रयोगों से पागल होकर वह मृत्यु और निराशा की उत्कृष्ट कृति बनाने की इच्छा से ग्रस्त हो गया था। बिल्ली और चूहे का एक घातक खेल शुरू हुआ जिसमें जग्गू और माया दीपक दरिंदा के परपीड़क जाल के खिलाफ अपनी जा